ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पगरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द मेरे साथ हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलाल प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति श्रेयो सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राज आचार्य नित्यदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते सर्वप्रथम हम लोग बोद्रुम में गए थे। पहले हम लोगों ने श्रवण किया है यहाँ का एक एक जो दीप है एक एक भक्ति का अंग है और एक एक भक्ति की अंग जाने में करने पर जीव को भगवत भक्ति की प्राप्त भगवत प्राप्त हो जाता है। जिसको प्रह्लाद महाराज ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्याय तन्मनेतमोत्तम। इसी श्लोक को ऊपर में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं कहते इति पुंसार यहाँ पर बताए भगवत भक्ति मात्र कहते पुंसार मतलब पुरुष मात्र में ही कहते क्या स्त्रियों का अधिकार नहीं है कहते नहीं कहते हर व्यक्ति मात्र का ही भगवत भक्ति में अधिकार है। इसलिए इति पुंसार पिता विष्णु वहां पर एक शब्द या अध्याय अध्याय मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कहते सकल साधन श्रेष्ठ इस नवविधा भक्तियों में अगर कोई एक भक्ति को अगर कोई सही सही जाजन करे तो एक भक्ति की अंग जाजन करने पर उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम लोग एक एक साथ में ये नवद्वीप मतलब जो एक दीप में जाने पर एक भक्ति अंग जाजन करने का जो फल जीव को अपनी आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज हम जिस गोद्रुम में गए थे वो भक्ति का कौन सा अंग है ये भक्ति का ये कीर्तन अच्छा भक्ति है। भगवत कीर्तन जाजन करने पर जीव को जो कुछ प्राप्त होगा वो दीप में जाने पर जीव को अपनी आप भक्ति का निराजन करने का फल मिल जाएगा। इसलिए जितने सारे भक्ति अंगों में ये कीर्तनाख्या भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया। इसलिए कहते नौ तरह का भक्ति में फिर पांच तरह का भक्ति को सारांश रूप में बताया फिर पांच तरह का भक्ति में कहते तीन तरह का भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया श्रवण कीर्तन और स्मरण कहते तीन तरह का भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति किया
कभी भगवान का जो कीर्तना का भक्ति कभी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए सकल साधन श्रेष्ठ कद सारे साधन में ये कीर्तना का भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कद एक कीर्तना का भक्ति का अगर कोई जाग न करे उसको नौ तरह का जो भगवत भक्ति अंग की फल उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत में बताया तस्मात सर्वात्मना भारत भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भय। अगर कोई अभय बनना चाहते थे तो क्या करे, बोले श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भय। तो तीन तरह का भक्ति जागरण करे, श्रवण कीर्तन और स्मरण। कभी ये तीन तरह का भक्ति में मेरे तरफ में देखो, कभी श्रवण कीर्तन और स्मरण एक अतिन कीर्तन को बीच में रखा। बोले क्यों, कभी जो कीर्तन क्या भक्ति ये श्रवण को भी पुष्टि करता है और जो कीर्तन करेंगे जो श्रवण करेंगे वही फिर स्मरण को भी पुष्टि करता है। जैसे बीच का व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति को मदद कर सकता है, उसी तरह ये कीर्तन क्या भक्ति को ये बीच में रखा गया। किसी किसी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तीन तरह का भक्ति में देखो जो स्मरण जो भक्ति है वो सबसे कठिन है। कीर्तन तो कोई आसानी से कर सकता है, श्रवण भी आसानी से कर सकता है, लेकिन जो स्मरण के लिए आपको एकाग्रता की विशेष जरूरत है, तब जा करके कोई स्मरण कर सकता है, तो स्मरण नहीं हो सकता। लेकिन ये कीर्तन का सर्वश्रेष्ठ कैसे बता दिया, तो यहाँ विश्वनाथ चतुर्थकर ने कहा कोई वस्तु कठिन से प्राप्त होता है इसलिए उसको श्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा। कर एवरेस्ट में चढ़ना भी तो बहुत कठिन है, तो उसको ही श्रेष्ठ बता दो, बोले नहीं। इसलिए जैसे कोई कथा श्रवण कर रहे हो, अगर यहाँ पर बैठ बैठ करके हम जोर जोर से कीर्तन करें आप कथा सुन सकते हो, नहीं। कोई बैठ करके स्मरण कर रहे हैं, अगर हम बैठ करके यहाँ पर जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। अगर हम जोर जोर से कीर्तन करेंगे, अगर बैठ कर कोई स्मरण कोई संध्या जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, बोले यहाँ पर मैं स्मरण कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये कीर्तन का भक्ति की इतने महत्व है। आप जो स्मरण कर रहे हो उस स्मरण को तोड़ दिया, महाप्रभु ने बताया परम विजय कृष्ण संकीर्तन। और भागवत का जो प्रथम जहां से शुरुआत होता है तद एतत् विद्यमानानां इच्छताम् अकुत भयम् योगिनां निपनिर्मितम् हरे नामानु कीर्तनम। भागवत का शुरू में ही आता है, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं तद हरे नामानु कीर्तनम, तद हरि का जो नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। जब भागवत का समाप्ति में वहां पर भी कीर्तन की सर्वश्रेष्ठता हो, कहते नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो भी नाम संकीर्तन को ही स्थापन करता है। इसलिए जितने सारे शास्त्र है सारे शास्त्र में ये परम संकीर्तन को ही पुष्टि करता है। संकीर्तन धर्म ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ के धर्म है। इसलिए कद आज जो गोद्रुप में हम गए थे, कद वहां जाने पर वहां केवल वहां के स्पर्श करने पर वहां का धूल को स्पर्श करते ही ये कीर्तन का भक्ति का फल अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगी। देखो कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वो स्थान का नाम वो ध्रुव है। वहां का दूसरा विशेषत्व क्या है,
कहते उनके दूसरे विशेषत्व है, वहां जाने पर और क्या हम मिलेगा। कहते जो नवद्वीप था कहते मुक्त वृंदावन है, इसलिए वृंदावन में जाने का जो फल कहते यहाँ आने पर आप मिल जाएगा। ए करताल के बजा से, करताल के बजा से कहाँ के करताल बजा से केशव अगर देश अच्छे उजाला हुलू धने नादा है करताल लाग जाए। अतः कहते कि गुप्त वृंदावन होने का नाते कहते यहाँ पर एक एक दिन में जाने पर कहते वृंदावन का ही फल मिल जाएगा। कहते आज जो गोत्र में गए थे वो कौन सा स्थान वृंदावन की, कहते नंदगांव है। नंदगांव में आप लोगों को पता है नंदगांव कितने महत्व है, जहाँ पर उद्धव जिस नंदगांव पर गए, जहाँ पर उन्होंने गोपी प्रेम के झंडा उन्होंने गाड़ दिया है, जहाँ पर उद्धव जी ने जहाँ पर श्री राधा रानी को जब ब्रज गोपियां ले जाती हैं, कहते उद्धव जी देखो हमारा श्री किशोर जी का क्या अवस्था है, जहाँ पर श्री राधा रानी को कमल पुष्पों का सज्जा बना करके राधा रानी को सुला करके रखे, उनका शरीर में अंगूर चंदन कर्पूर की लेपन करते हैं, लेकिन राधा रानी ऐसे कृष्ण विरह में ऐसे उनको शरीर में पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भ से निर्वाचन जिस विरह में डूबी हुई और एकदम कमल पुष्प थोड़ी देर में ही एकदम चुर चुर हो जाती है, जहाँ पर भ्रमर आकर के राधा रानी का चरण बैठने के प्रयास करता है, जहाँ पर राधा रानी मानित होकर के तरह तरह कृष्ण को उलाहना देती है, जिस प्रेम को दर्शन करते हुए उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज गोपियों की चरण धूलि और बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिस्पर्श, जहाँ पर श्री राधा रानी की चरण की एक धूल की उद्धव जहाँ वंदना करते हैं, इसलिए गोपी प्रेम को श्याम सुंदर ये उद्धव जी को देख करके गोपी प्रेम ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, जहाँ पर यही पर स्थापन किया है, इसलिए जो उद्धव क्यारी कहते नंदगांव के अंतर्गत है वो विरह का स्थान है, इसलिए गोद्रुप में जाने पर अपने आप हमें नंदगांव में जाने का उद्धव क्यारी में जाने का तेह कदम में जाने का पावन सरोवर चरण पहाड़ी में जाने का फल अपने आप हमें मिल गया है। हाँ कहते वो स्थान और क्या है, कहते वो भांडरी वध है। आप लोगों को पता है भांडरी वध में कृष्ण कैसे सखाओं के साथ में बैठ करके कैसे वही पर कलेवा करते थे, और वही पर कैसे श्री श्याम सुंदर के साथ में श्री किशोर जी की मल्ल युद्ध हुई है। अब मल्ल युद्ध में जहाँ पर श्री किशोर जी श्री श्याम सुंदर को पछाड़ देते हैं, पछाड़ देने पर सारे सखियां बड़े प्रसन्न होकर के ताली बजाती है, कहते हमारे किशोर जी को श्याम सुंदर को पछाड़ दिया। कृष्ण ने कहा भाई क्यों हंस रहे हो, कहते आपने फेल हो गया। बोले कैसे फेल हो गया, जो फेल हो जाता है उसका नाक नीचे होता है और जो जीत जाता है उसका नाक ऊंचा होता है, किसका नाक नीचे और किसका नाक ऊपर है, क्योंकि नीचे पड़े हुए श्याम सुंदर उनका नाक ऊपर है, राधा रानी ऊपर है, राधा रानी का नाक नीचे है। इतने में सखाओं ने कहा सही बात है, हमारा कन्हैया जीत गया है, इसलिए जहाँ पर ये सारी को सारी लीला हुई थी। इसलिए कहते कि ये बद्रूम में जाने पर अपनी आप हम लोगों को वो भांडरी बैठ में जाने का भी फल हमें अपनी आप प्राप्त हो गया है। और क्या फल प्राप्त हुआ है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जब बद्रूम में आते थे कहते अभिन्न नंद गांव कृष्ण जैसे घर घर में ब्रज गोपियों को घर घर में जा करके श्याम सुंदर मक्खन चोरी करते थे, घर घर में जैसे खाते थे, जब श्री श्याम सुंदर जब राधा भाव दूत सुबलिता नौ में कृष्ण स्वरूप जब ये राधा कांति और श्री राधा रानी का भाव को लेकर के आए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब गोद्रूप में आते थे उनका हृदय में वही भावना प्रकट हो जाता था, इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु घर घर में जाकर के दूध और दही दही को भिक्षा करते थे, और दूध का लगलगी बदला में एक वस्तु है उसको बना करके महाप्रभु खाते थे, और भाव में श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भाव में नंदगांव में भाव के जैसे सखाओं को साथ में गैया चराते थे उसी भाव में विभोर हो जाते थे महाप्रभु वहीं पर। और वहीं पर जैसे वृंदावन में जाओ लोग क्या बोलते हैं, राधे 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 राधे, हाँ, और वहाँ के लता पता वृक्ष सबके सब क्या बोलते हैं, बोले लता भी बोले राधे कुंज
कुंजा भी बोले राधे, लता भी बोले राधे, कुंजा भी तोता भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, मयूर भी बोले राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, दूध के धार से आवाज आई राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो। जैसे वृंदावन में सब कैसे राधे राधे बोलते हैं, कभी यहाँ के सब के सब यहाँ का वृक्ष कोयल सब के सब क्या बोलते हैं, निताई निताई गौर गौर, सबके सब निता निताई गौर गौर, महाप्रभु नितानंद प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए वो स्थान का नाम गोद्रुम है, अभी उसका नाम कहते गाती गाछा कहते हैं, लेकिन इसका नाम मूल नाम गोद्रुम है। गो मतलब गैया, ध्रुव मतलब होता है वृक्ष। जब इंद्र ने कृष्ण के चरण में उन्होंने अपराध किया है, कहते अपराध करने पर कहते ब्रज में इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था, इंद्र सोचता था कि ब्रजवासी तो हमारे प्रजा और हम उनका राजा है, अगर मैं बारी नहीं बरसाता तो ये सब के सब ब्रजवासी मर जाएंगे, उन लोगों के अंदर ऐसी भावना थी। कृष्ण ने कहा क्या कि ब्रजवासी हो गए प्रजा और तू हो गया राजा, तू बारी बरसा नहीं बरसाओगे तो ब्रजवासी भूखे के भूखे मर जाएंगे, तेरे को ये इंद्र पद किसने दिलाया? कहते बामन अवतार में मैंने ही तुमको ये इंद्र पद दिया है। और बामन देव कौन है? बोले कृष्ण का अंश का अंश का अंश है। तभी साक्षात में यहाँ ब्रजेंद्र नगर रूप में प्रकट हुआ हूँ और मेरे जितने राधा रानी जितने सखा पिता माता ये सबके सब प्रकट हुए, जिस नंद बाबा का जुती को मैं स्वयं धारण करता हूँ, जिस ब्रज गोपियों के चरण में मैं स्वयं प्रेम की भीख मांगता हूँ, जिस सभाओं को मैं स्वयं जुटन गाता हूँ, और ये इंद्र सोचता है अभी बन गया राजा और ये सबके सब प्रजा हो गए, अभी तुमको दिखा देता हूँ। इसलिए श्री श्याम सुंदर श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा को प्रवर्तन करने के लिए अगर ब्रजवासियों का कोई आराध्य तो केवल ये गिरिराज गोवर्धन ही है, ये चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने इंद्र पूजा कैसे बंद करवाया और कैसे इंद्र कोपित तो होकर के कैसे उन्होंने बारी वर्षण किया है। उसको बाद में इंद्र को जब पता चला ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, एक दूत को भेजा देख करके आओ तो क्या स्थिति है, एक दूत ऊपर ऊपर देख करके आया, मतलब ब्रज में तो एक चीटी तक भी नहीं है, दूसरे को भेजा तुम देख करके आओ, वो नीचे आकर के देखा एक चीटी भी नहीं बना, क्योंकि सबके सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन को नीचे कृष्ण कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज को धारण करके रखे और जितने सारे ब्रजवासी कृष्ण का मुखचंद्र को दर्शन करते हुए प्रेम में सबके सब डूबे हुए। इंद्र को जब पता चला कृष्ण स्वयं भगवान, पर इंद्र आकर के कृष्ण के चरण में माफी मांगते हैं। कृष्ण तो माफ किया है लेकिन हृदय से उन्होंने नहीं किया, इसलिए इंद्र के अपराध से मुक्त पाने के लिए सुरभि का भी की आनुगत्य में इसी गोत्रुम में वो मतलब गैया सुरभि आदि, ध्रुव मतलब यहाँ पर एक विशाल वटवृक्ष था, जिस वटवृक्ष के नीचे श्री सुरभि गाड़ी को लेकर के इंद्र ने यहीं पर उनको उपासना की है। उपासना करने पर भगवान उनको कृपा करके दर्शन दिया, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भी उनको दर्शन दिया है। तद में यहीं पर कलयुग में सचिनंदन गौर हरि होकर के जगत में ये कृष्ण प्रेम को मैंने वितरण करूंगा, यही पर उन्होंने कृपा की थी। अभी प्रश्न होता है अगर कोई अपराध करे तो उसको दंड मिलनी चाहिए, लेकिन इंद्र को दंड क्या मिला? इंद्र को तो ब्रजधाम ये श्री नवद्वीप धाम में पास मिल गया, कहां पर गोद्रुप में
और सखा ने चैतन्य महाप्रभु का कृपा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला उनको दंड कहाँ मिला दंड तो मिली थी उनको तो आनंद ही आनंद महाप्रभु का भक्ति प्राप्त करना महाप्रभु का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं लेकिन उन्होंने कैसे किया है इसमें से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि गए इसका तात्पर्य है कृष्ण लीला में बा गौर लीला में जिन जिनियों को हम देखते हैं ये लोग उनको शत्रु रूप में तो तत्वतः शत्रु नहीं तत्वतः चैतन्य लीला पुष्टि गए वे लोग सबके साथ भगवान कृष्ण का वा श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला को पुष्टि करते हैं जगाई माधाई नहीं होते तो महाप्रभु का महावदान्यता उनका करुणा का कहाँ प्रकाश होता इसलिए तत्व तो लीला पुष्टि करते हैं अगर इंद्र नहीं होता तो फिर कृष्ण गिरिराज क्यों धारण करते और दूसरी बात है कृष्ण फिर उनको श्री नवद्वीप धाम पे स्थान दे दिया बोले क्यों धारण किया था बोले यद्यपि इंद्र ने कुछ गड़बड़ी की है लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा भी की है बोले क्या सेवा की बोले कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ लीला कहते रास लीला है इसलिए कहते श्री इंद्र ने उनको रास लीला की प्लेटफॉर्म बनाया बोले कैसे मतलब अभी रासलीला करने के लिए कृष्ण को ब्रज गोपियों की सहायता चाहिए क्योंकि अकेला रासलीला नहीं कर सकते हैं इसलिए ब्रज गोपियों को तरह ही रास कर सकते हैं अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रज गोपियों को भी कैसे आकर्षण करो ऐसे कुछ काम करना पड़ेगा जैसे ये सबके सब आकर्षित हो जाए बोले क्या करना पड़ेगा ऐसे कुछ बहादुर दिखाना पड़ेगा जैसे कि हीरो हीरोइनी को आकर्षण करने के लिए कुछ बहादुरी काम करता है उसी तरह श्याम सुंदर ने ये इंद्र को बुद्धि को भ्रमित करते हुए उन्होंने पारिवर्षण कराया और पारिवर्षण करने पर कृष्ण जब श्री गिरिराज गोवर्धन को एक हाथ और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में सात दिन तक सात वर्ष गिरिराज और सात साल का बालक जब धारण किया इन ब्रज गोपियां तो जिसको देख देख करके हैरान हो गई बोले क्या पराक्रम है जैसे कि छोटा बालक एक केतु को हाथ में उठा लेता है उसी तरह श्याम सुंदर जब उठाया इतने में सारे को सारे ब्रज गोपी कृष्ण के चरण के संपूर्ण लुट गए फिर तुमको रासलीला करने का प्लेटफॉर्म बन गया है फिर ब्रज गोपियों को बुला करके रासलीला की इसलिए इसी में इंद्र ने बड़े उनको मदद की है इसलिए कृष्ण ने क्या किया उनको स्थान कहाँ दे दिया श्री नवद्वीप धाम में और महाप्रभु का दर्शन बस बिल्कुल लाभ ही लाभ है इसलिए आज हम लोग श्री गुरु जी को अनुदर्शन वहीं पर गए थे इसलिए हम लोगों को परम सौभाग्य है जो कि गुरु जी के अनुगत्य में श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करते हुए इस समस्त स्थान में जा करके हम लोग भगवत भक्ति को और भगवत उन्मुख जो सुकृति और गौरधाम में अगर कोई आए शंकर जी कहते पार्वती अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होकर के ये गौरव प्रेम को दे रहे हैं गोपी प्रेम को दे रहे हैं ब्रज प्रेम को दे रहे हैं अगर कोई यहाँ पर आए केवल यहाँ पर आते ही और यहाँ पर महाप्रभु का लीला स्थल में जाते ही अपने आप उनको ब्रज प्रेम और उसी में गोपी प्रेम अपने आप उसको मिल जाएगी इसलिए ये एक विशेष लाभ है ये नवद्वीप धाम में आने का मैं यही बोल करके अपना वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ वंशा कल उधर भ्रष्ट कृपा सभी का नाम पावन भो गो नम